कहते हैं जो शब्द हमारे अल्फाज नहीं कह पाते वो सब एक कलम अपनी स्याही के जरिए पन्नों पर उतार दिया करती है। आप 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा यानी विवेक यादव का नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज के शो की शुरुआत कलम, साहित्य, पन्नों से क्यों करी, क्योंकि 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ होने वाला है। ऐसे में इन सभी की तैयारियों की बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एंड क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ AAFT डॉक्टर अजय कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर। मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये हुआ कि मैं शुरुआत से शुरुआत करता हूँ कि जब शुरुआत हुई थी इस लिटरेरी फेस्टिवल की, तो उसको लेके अब तक 9 साल का समय बीत चुका है, तो ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, 2015 में जब हमारे यहाँ प्रथम ग्लोबल फेस्टिवल लिटरेरी फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय भी बड़े ही उत्साह के साथ संदीप बाबा सर ने इस ग्लोबल फेस्टिवल का शुभारंभ किया, और हर एक्टिविटी आज जो भी आप देख रहे हैं, जो भी एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारियां मिल रही है, उन्होंने शुरुआत से ही सारे एक्टिविटीज़ को रखा, जैसे किताबों का अनावरण, नए पुस्तकों का अनावरण, सेमिनार, वर्कशॉप, सूफी नाइट्स, पेंटिंग एग्जीबिशन, इसके अलावा फोटोग्राफी शो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो साहित्य से जुड़ा हुआ है, उन सभी की शुरुआत 2015 में प्रथम एडिशन में की गई, और आज हर साल उसमें कुछ न कुछ सुधार होता गया। हर साल जाने माने प्रतिष्ठित शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए, जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए, जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों में साहित्य की पहचान या साहित्य की पकड़ बहुत ही आवश्यक है। सो सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का इस फेस्टिवल में समागम होता रहा है, और आज 9वें एडिशन का जो फेस्टिवल, 9वीं बार जो फेस्टिवल होने जा रहा है, इसमें भी हमने संदीप सर के गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में, और उनके जो अपने तरीके हैं प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, और जिस तरह से वो सारा प्रोग्राम को एक तरह से बुनते हैं, उसमें आज लगभग 50 हमारे एक्टिविटीज़ हैं, 50 इवेंट हैं जो हमारे कैंपस में होंगे, और 150 से ज़्यादा अतिथिगण आने वाले हैं, देश विदेश से अतिथिगण आने वाले हैं, जिसमें नेचुरली कई एम्बेसडर्स हैं, कई शिक्षाविद हैं, कई लेखक हैं, कई पुस्तकों का अनावरण भी होना है, कथक नृत्य का भी आयोजन किया गया है, सूफी इवनिंग का भी आयोजन किया है। मेरा यह मानना है कि छात्रों के लिए इससे अच्छा अनुभव और इससे अच्छा एक्सपोजर यू कर सकते हैं छात्रों को, जो इसके द्वारा मिलने जा रहा है, जो ज्ञान उन्हें मिलेगी, ऐसा अवसर किसी के भी जीवन में बहुत कम आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, और जैसा नाम है ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट, तो देश विदेश से कई जाने माने साहित्य से जुड़े लोगों का ये समागम होने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को इतना समय देने के लिए। थैंक यू बच। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद। अब आपसे वादा मैं ये करता हूँ कि इन 3 दिनों के दौरान जो भी हस्तियाँ आएंगी उनसे आपको मैं जरूर मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए आज 24/7 नोएडा।